नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात की थी जिसे अप्लाई करते हुए आप किसी भी चार्ट में टाइमिंग ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते। उस वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया और आपने कमेंट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे अप्लाई करते हुए हम बड़े आराम से, यदि किसी जन्म चार्ट में हम कंफर्म हो चुके हैं कि आफ्टर मैरिज डिवोर्स होगा, तो उसे इस टेक्निक के माध्यम से बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डिवोर्स कब होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा उन दोस्तों से जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है, कोई आकर पूछता है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, गड़बड़ चल रही है, तो कहीं डाइवोर्स तो नहीं है, या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा डाइवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में काफी लंबे अरसे से और हम जानना चाहते हैं कब खत्म होगा, तो हम लोग अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि भाई अब तो डाइवोर्स जो है वो करेगा, फिर इधर उधर से कितना कुछ लगाकर बता देते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। क्योंकि तो ऐसा जरूरी नहीं होता किसी का कोर्ट केस चले या जो है शादीशुदा जीवन जो है खराब हो तो डाइवोर्स होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। मेरे पास ऐसे काफी केस हैं जहां पर डाइवोर्स केस चल रहे थे, लेकिन मुझे डाइवोर्स जो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में काफी ब्रांचेज हैं, जैसे मैं केपी भी करता हूँ, नाड़ी भी कर लेता हूँ, क्लासिकल इंटरव्यू थ्योरी भी करता हूँ, वैदिक भी करता हूँ, हमें कम से कम एक दो थ्योरी लगाकर जो है देख लेना चाहिए पहले अच्छी तरह। और यदि आप वैदिक भी लगाते हैं तो कम से कम उस भाव को अच्छी तरह जान ले कुंडली में जिस भाव से संबंधित आपके सामने प्रश्न खड़ा हुआ है, जैसे कि डाइवोर्स है तो सेवंथ भाव शादी, उसे अच्छी तरह जांच करते हैं और फिर उसके बाद संबंधित जो डिविजन चार्ट है D9 या नमाज कुंडली जिसे आप कहते हैं, वहां पर उसे अच्छी तरह जान ले। यदि हमें जो है डाइवोर्स दिख ही रहा है कि भाई शादी के बाद होगा ही होगा, तब आप इस टेक्निक को लगाइए, बड़े आराम से आप जान सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में जो जानना चाहता है कि डिवोर्स जो है मेरा कब होगा, तो आप बता सकते हैं। इसके लिए जो मैं दशा सीक्वेंस लूंगा वो मैं जैमिनी की 4 दशाएं लूंगा, विषुवंतरी दशा नहीं लूंगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि जो विषुवंतरी दशा है ग्रह की वो काफी लंबी होती है और विषुवंतरी दशा का जो स्पैन है 120 साल का है, काफी लंबा है, लेकिन जैमिनी में जो 4 दशाएं हैं ये काफी छोटी चलती है, 1 साल की, 2 साल की, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंतर दशा चलेगी वो काफी छोटी चलेगी और इवेंट को पकड़ना बड़ा इजी हो जाता है और इसे हम प्रेडिक्ट करेंगे वैदिक की ही तरह। लेकिन मैं ज्यादा रूल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक सिंपल रूल लगाऊंगा। रूल ये है, जो भी हमें दशा चलेगी, 4 दशा जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये महादशाएं हैं, ये मीन की महादशा है, ये मेष की, ये वृष की, और इनके नीचे अंतर दशाएं चलती हैं, ठीक है। जिस भी राशि की दशा चलेगी उस राशि को हम लग्न मनाते हैं और लग्न मनाकर हम वैदिक से देखेंगे कि भाई डाइवोर्स जो है कब होगा। रूल जो है सिर्फ एक लगाना है, सेवंथ भाव का जो स्वामी होगा, ठीक है ना, उसे देखना है और जो ये लग्न बनेगा हमें उसे देखना है। इस लग्न से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी घटनाएं इस समय पीरियड में जातक के साथ घटनी, और इसका स्वामी जो सेवंथ का स्वामी होगा, यदि इसकी संगत बुरी हुई, संगत मतलब युति, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हमेशा संगत जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि संगत अच्छी नहीं है तो आपका जो भविष्य है वो खराब है। यहां पर मैं अस्पेक्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, प्लैनेट यहां से कहीं से भी बैठकर या लग्न में बैठकर इस भाव को देख रहे हैं या इस भाव के स्वामी को देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो इसको एडवाइस दे रहे हैं। अब डिपेंड इस भाग के स्वामी पर करता है, वो एडवाइस लेना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। यदि उसकी संगत बुरी होगी, उसकी युति बुरी होगी, वो एडवाइस नहीं देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए मैं अस्पेक्ट नहीं लूंगा, सिर्फ भाव का स्वामी लूंगा, उस भाव के स्वामी की मैं संगत देखूंगा, बुरी तो नहीं है, बुरी संगत कैसे होगी, 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो है ये बुरी संगत है, ये खराबी पैदा। इस भाव का स्वामी लग्न बनाने के बाद सेवंथ भाव का स्वामी यदि 6 में चला गया, 8 में चला गया, 12 में चला गया, 12 में, तो समझो शादी की, या वो कहीं भी बैठ जाए इन भावों के स्वामी शादी की।
या फिर वैदिक का रूल है, किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से एट्थ भाव यानी कि सेकंड में चला गया तो शादी। इसको हमें पहले जो भी चार दशा महादशा चलेगी वहां देखना है, यदि वहां आप कंफर्म हो जाए ठीक है तो फिर अंतरदशा भी इसी तरह, और यदि जिस राशि की महादशा है तो उसका जो सेवंथ भाव का स्वामी है यदि आप यहाँ कंफर्म होंगे और यहाँ भी कंफर्म होंगे तो डाइवोर्स होगा ही, लेकिन यदि इस भाव के स्वामी का संबंध डी नाइन के सिक्स एट ट्वेल्व भाव के स्वामियों के साथ आ गया या वो जाकर यहां बैठ गया तो ये डबल मार्क। और यदि उसने अपना संबंध यहां भी बना लिया यहां भी बना लिया यहां भी, मतलब इन भावों के स्वामियों के साथ या इन भावों के साथ, तो ट्रिपल मार्क पड़ेगी, यानी कि हो ही रहेगा कंफर्म मार भी दिया वहां पर इस समय फिगर में डाइवोर्स होगा। सिंपल मैथड है। अब मैं कुछ कुंडलियों पर आपको लगाकर बता रहा हूं। इस बंदे को जिनका ये चार्ट है मीन लग्न का चार्ट है, ये भी मीन लग्न ये भी मीन लग्न इनका जो डिवोर्स हुआ वो हुआ जाकर सिंह राशि। अब मैं यहां पर सिंह राशि बनाऊंगा, ये सिंह राशि जन्म चार्ट में कहा ये है सिक्स भाव, वाद विवाद का भाव है और ये डाइवोर्स का भाव है। क्यों? क्योंकि ये सेवन सेट वाला भाव है, ये शादी को मना करता है या शादी को तोड़ता है, यानी कि इस महादशा में ये ड्रामा होकर ही रहता है। अब देखेंगे सेवंथ भाव का स्वामी कौन, वो है शनि। हमें ये नहीं देखना कि वो वक्री है, हमें नहीं देखना कि वो अस्त है, हमें नहीं देखना उसके ऊपर कौन सा अस्त है, हमें नहीं, हमें सिर्फ उस शनि का उसकी संगत को पकड़ना। यहां पर शनि देखिए क्या सिक्स में है क्या एट में है, नहीं है, वो फोर्थ में है, लेकिन वो सिक्स हाउस का स्वामी है, सिंह लग्न। यानी कि सिंह राशि की दशा चली जो कि जन्म कुंडली के सिक्स भाव की राशि है, ये गड़बड़ करेगी, यह डाइवोर्स करवा। अब इस शनि को थोड़ा सा आपको और चेक करना है तो डी नाइन में आ जाएगी। शनि यहां मीन राशि में सेवंथ भाव का स्वामी बना, सेवंथ भाव में गुरु महाराज है, दोनों का प्रवर्तन है, गुरु सिक्स भाव का स्वामी है, शनि आठवें भाव का भी स्वामी, और गुरु की राशि में राहु भी विराजमान, तो यहां भी गड़बड़ जो है इसकी दिखाई दे रही है कि भाई ये शनि जो है गड़बड़ करेगा। ठीक, अंतरदशा देखिए, अंतरदशा इनको जो चली थी यहां पर वो चली थी धनु राशि की। अब धनु को लग्न बना लीजिए, ये भी बिल्कुल सिंपल टेक्निक। अब देखिए भाव का स्वामी कौन है, बुध है, बुध महाराज कहाँ चले गए, किसके साथ गए, सिक्स हाउस का स्वामी कौन है, शुक्र। यहाँ पर एट्थ भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा, वो चंद्रमा के साथ, यानी कि एट भाव से संबंध आए बिना डाइवोर्स नहीं होगा, ये बात याद रखें। और यदि यहां भी उसका बन गया संबंध डी नाइन में या यहां बन गया संबंध तो डबल है तो होकर, यानी कि इस महादशा में धनु की अंतरदशा में जो इस जातक का चार्ट है तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इस समय पीरियड में इनका जो है डाइवोर्स होकर रहे। अब मैं एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, ये देखो ये फीमेल का चार्ट है, इनका डाइवोर्स वृश्चिक लग्न है और डाइवोर्स इनका हुआ पाइसिस मीन में। अब मीन को मैं लग्न बनाऊंगा, मीन राशि फिफ्थ भाव की राशि, फिफ्थ भाव से संबंधित जितने भी जो भी बातें हैं वो अब इस समय की गर्मी दिखाई देंगी। दूसरी बात, ये जो मीन राशि मीन लग्न बना अंतरदशा क्या थी, अंतरदशा इनको चल रही थी विरगो। अब विरगो को ये लीजिए लग्न बना लेंगे कन्या को, मीन की महादशा कन्या की अंतरदशा भी इनका रहेगी। अब सेवंथ में केतु है, चलो भाव खराब हो गए लेकिन मैं सिर्फ
स्वामी को पता है। स्वामी कौन है? बुद्ध। किसके साथ है? सूर्य के साथ, जो कि शुक्र पर, जो कि एक भाव का स्वामी। ठीक है, तो डिवोर्स जो है इसे समय पीरियड में होकर रहेगा। यदि मैं इसको और परेशानी करना चाहूं, D9 में मीन अपनी ही राशि में 12th भाव में है, और कंफर्मेशन। यहां देखिए अंतरदशा में 7th भाव का स्वामी बैठा हुआ राहु है, गड़बड़ तो करेगा, लेकिन 7th भाव का स्वामी खुद वो कुएं में चला गया 8वें भाव में। यहां देखूं वो कहां है, तो 8वें भाव में चला गया। यानी कि 6, 8, 12 ये बुरे भाव हैं। जब प्लेनेट की संगत बुरी होगी तो उसे लेट हो जाएगा। ठीक, अब मैं एक चार्ट और दिखाता हूँ। यहां देखो, इसमें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक मेल का चार्ट है, पहला इनका डिवोर्स हुआ मकर में, वृष रहा। अब इसको मकर लग्न मना, वृषभ राशि को भी लग्न मना। अब देखिए जो ये मकर राशि की दशा थी, जन्म कुंडली में 8 भाव की राशि, यानी कि पूरा यहां पर गड़बड़ आबद खाई गई, क्योंकि 8 भाव सबसे बुरा भाव है। तो उससे संबंधित जो है रिजल्ट जो है इस पूरे समय में मिलेंगे, जो कि दशा चली 1999 से 2005 तक। अब देखिए 7th में शनि और शुक्र, हमें पकड़ना इसको, इसकी संगत कहां है। हमने कहा 7th का स्वामी 6, 8, 12 या फिर अपने से 8वें यहां आ जाए, या 8वें का स्वामी यहां ना आ जाए। ठीक है, यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ये शनि 8वें भाव का स्वामी है। इस भाव से यदि काउंट करें वो यहां आ गया, और किसी भी भाव से 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में हो उस भाव के फल मिलने, और इस भाव का स्वामी बोला दोनों का शिला तो। अब यदि इसमें चंद्रमा को देखिए, यहां चंद्रमा कहां है? यहां चंद्रमा ये विराजमान, दृष्टि में नहीं ले रहा है, लेकिन यहां वो 6, 8, 12 यहां वृषभ राशि है। मैं ये भी नहीं ले रहा कि उसका स्वामी कहां गया, मैं देख रहा हूं कि इसका देखो आगे देखो तो ये यहां कहां है। ये राशि जो है वृषभ राशि, ये जो जन्म कुंडली है वहां पर 12वें भाव की राशि, तो उसका संबंध 12वें भाव से आ गया, और यहां से इंडायरेक्ट आ रहा है वो। मैं इसको नहीं ले रहा, इसको छोड़ दूंगा, मैंने सीधा इसको यहां पर तो डिवोर्स कराऊंगा। अब मैं अंतरदशा की बात करूं, अंतरदशा स्वामी जो अंतरदशा वृषभ राशि की, वहां 7th भाव का स्वामी। अब ये वृषभ राशि क्या है इसको भी समझिए। वृषभ राशि अब देखेंगे कि इस चार्ट में कहां पर, ये 5वें भाव में पर, 5वां भाव संतान, यानी कि इस अंतरदशा में संतान से संबंधित शुभ या शुभ फल मिलेंगे। ठीक, वो भी हुआ इनके साथ। अब यहां में 7th भाव से, 7th भाव में मंगल अपने से 8वें भाव में, इसके साथ गुरु के साथ, गुरु कौन है? 8वें भाव का कौन। अब यदि मैं इसको यहां पकड़ू मंगल, ये रहा 8वें भाव में अपनी राशि, उसका संबंध किसके साथ आ रहा है? 8वें भाव के स्वामी बुद्ध भी यही बात है, यहां भी आ जाता है। अब इसको मैं यदि देखूं कि जिस राशि में वो राशि यहां कहां है, ये परिस्थिति देखिए, मंगल का संबंध जो ये अंतरदशा चली, यहां भी उसकी संगत का, यहां भी उसकी संगत का, यहां भी उसकी ट्रिपल जो है मार्ग, इनका डिवोर्स जो है मकर राशि में वृषभ राशि के अंतर्गत। दूसरा, इन्होंने शादी की, महादशा चली लिब्रा, लिब्रा को लग्न मना, अंतरदशा थी इनको मीन की, मीन को लग्न मना। यहां देखिए 7th भाव में कौन है? मंगल। मंगल को हम देख ही चुके हैं कि भाई वो ये चला गया गुरु के साथ, गुरु 6 भाव का स्वामी है। ठीक है, बुरे भाव का यहां संबंध खराब होगी। यहां देखो 8th भाव के स्वामी के साथ, जिस राशि में वो राशि देखो वो जनक अंतरदशा में, अंतरदशा
स्वामी कौन है? बुद्ध। कहाँ गया? सिक्स भाव में, सिक्स भाव में। यदि यहाँ देखो तो ये विराजमान है, तो सिक्स एट मंगल के साथ विराजमान है, लेकिन वो एट भाव का स्वामी है। जिस राशि में है वो राशि जन्म कुंडली के सिक्स ट्रिपल मार्क यहाँ पर। सिंपल टेक्निक, लेकिन पकड़ तभी पाएंगे यदि आप दशा यामिनी की चालू जाए। विषौंतरी दशा से आप बिल्कुल नहीं पाए, सिर्फ देखना है कि उसकी संगत जो है खराब ना हो। एस्पेक्ट हमें नहीं लेना, एस्पेक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्पेक्ट सिर्फ एडवाइस देने वाला हो, दूर बैठकर वो हम पे डिपेंड करता है। यदि हमारी संगत खराब है तो हो सकता है हम एडवाइस किसी सुने ना, अपना बेड़ा गर्क आप ही कर लें। एस्पेक्ट का इतना सा मतलब है, जुटी जो है काम वो करती है, मैं तेरे में तू मेरे, क्योंकि तो संगत बुरी है ना, तो वो याराना जो है जन्म कुंडली पर भी लागू होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी लागू होता है। वो याराना जो है जिसका चार्ट है उसको ले सकता है। बड़ी सिंपल टेक्निक, बुरे भाव पकड़ने हैं यानी कि संगत पकड़नी है, और दशा लगाइए आप कर, आपको एकदम से रिजल्ट आ जाएगा कि किसी समय की रहिए उनका भाई दोस्त होकर रहेगा, बशर्ते की कुंडली में दिखाई देता हो कि हाँ भाई आफ्टर मैरिज दोस्त है। एक छोटी सी चर्चा आप दोस्तों के साथ, यदि वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।